नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत ने पिछले 24 घंटे की अवधि में 8,954 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए हैं। इसके साथ ही देश में कोविड 19 मामलों की कुल संख्या 3,45,96,776 पर पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मामले घटकर 1,00,000 से भी कम हो गए हैं। बताया गया है कि 547 दिनों के बाद यह आंकड़ा नीचे गया है। एएमयू के पीएचडी छात्र दानिश रहीम को पीएम मोदी का तारीफ करना महंगा पड़ गया है। पीएचडी स्कॉलर ने एएमयू प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि प्रबंधन ने उन्हें पीएचडी की डिग्री वापस करने के लिए नोटिस भेजा है। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर यानी शनिवार को लगने जा रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक ये सूर्य ग्रहण मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तारीख को लगेगा। सूर्य ग्रहण का समय सुबह 10:59 पर शुरू होकर के दोपहर 3:07 तक रहेगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जब अमावस्या सूरज और पृथ्वी के बीच आती है। वो अपनी छाया का सबसे गहरा भाग पृथ्वी पर डालती है। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद पहली बार एक दिन में 5,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण अस्पतालों में जगह को लेकर चिंता उत्पन्न हो गई है। साथ ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे कड़े नियमों को फिर से लागू करने की अपील की है। दिसंबर महीने के पहले दिन आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 दिसंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दिया है। देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 103.50 रुपये प्रति सिलेंडर तक का इजाफा किया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए दुनिया सतर्क है। कई देशों ने यात्राओं पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। वहीं WHO का कहना है कि व्यापक यात्रा प्रतिबंध ओमिक्रॉन के प्रसार को नहीं रोक पाएंगे। आगे इसमें कहा गया है कि 60 से अधिक उम्र के लोगों को यात्रा स्थगित करने की सलाह दी जानी चाहिए। प्रारंभिक नतीजों से पता चला है कि जिन लोगों को पहले कोरोना संक्रमण हो चुका है उन्हें ज्यादा ही बचाव की जरूरत है। संसद का शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन रहा। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन संसद की कमरा संख्या 59 में अचानक से आग लग गई। ANI न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक ये आग सुबह 8 बजे लगी थी। हालांकि किसी के नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आई है। वहीं आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू में कर लिया गया। कृषि कानून की समाप्ति के बाद से ही किसान आंदोलन की एकता को लेकर के चर्चा होने लगी है। इस कयास को किसान नेता दर्शन पाल के बयान ने और हवा दे दी है। दरअसल दर्शन पाल ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को जिम्मेदारी के साथ बयान देने की सलाह दे डाली है। दर्शन पाल सिंह ने कहा है कि राकेश टिकैत को जिम्मेदारी के साथ बयान देने की जरूरत है ताकि आंदोलन में एकता बनी रहे। नवंबर महीने में कुल GST संग्रह 1,31,526 करोड़ रुपए का हुआ। इस महीने हुआ यह GST संग्रह पिछले महीने के संग्रह को पार कर गया है, जो GST लागू होने के बाद से दूसरा सबसे अधिक रहा है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई है। यह आंकड़ा GST के लागू होने के बाद से दूसरा सबसे अधिक है। ऑनलाइन दवा खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। भारत की 2 सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी अब ऑफलाइन हो रही है। टाटा के स्वामित्व वाली 1MG अगले महीने गुरुग्राम में अपने आप पहला फिजिकल स्टोर खोलने के लिए तैयार है, जबकि प्रतिद्वंदी फर्म इजी ने फ्रेंचाइजी स्टोर के माध्यम से ऑफलाइन चैनल में विस्तार करना शुरू कर दिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, बिहार समेत कई राज्यों ने कोरोना संबंधित नियमों को कड़ा कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर में जो गलतियां हुई थी उनसे सबक लेकर कई राज्य स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने में जुट गए हैं। अब आइए जानते हैं कि किस राज्य ने क्या तैयारी की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चचेरी बहन के विवाह समारोह में मंगलवार को राज्यपाल रमेश बैस और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन समेत कई मंत्री और अन्य VIP उनके पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। राज्यपाल और चीफ जस्टिस ने शादी समारोह में वधू आशा सोरेन को सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया है। राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन का फूड पैकेट देने का टेंडर रद्द कर दिया गया है। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा मंगलवार को इस संबंध में पत्र जारी किया गया। प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि टेंडर को तत्काल प्रभाव से पूर्णतः रद्द कर दिया गया है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले RC 47A 96 मामले में लालू प्रसाद यादव की तरफ से उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार ने आंशिक बहस की। बहस CBI के विशेष न्यायाधीश SK शशि की अदालत में हुई। बहस मंगलवार को भी जारी रही और बहस के दौरान प्रभात कुमार ने अदालत को बताया कि तत्कालीन वित्त सचिव विजय शंकर दुबे ने फरवरी 1996 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को फाइल के माध्यम से चारा घोटाले की जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में लाइट मेट्रो के संचालन की दिशा में तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की तरफ से
आयोजित बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज वन हेतु अप्रूवल मिल गया है। बिक्री के लिहाज से बजाज ऑटो के लिए नवंबर का महीना मुश्किलों भरा रहा है। ग्लोबल मार्केट में सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज अपना असर दिखा रही है। इस महीने में कंपनी की कुल बिक्री 10% घटकर 379,276 यूनिट पर रही है, जो कि पिछले साल के नवंबर महीने में 422,240 यूनिट पर रही थी। कमजोर डिमांड के चलते बजाज ऑटो की घरेलू बिक्री में भी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली में पेट्रोल पर वैट 30% तक कम हुआ है और अब इसे 19.40% तक कर दिया गया है। इससे देश की राजधानी में पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपए की कमी हुई है। मध्यरात्रि से नई दरें लागू होंगी और पिछले कई महीने से और राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट की दरों में कमी की थी। झारखंड सरकार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन उर्फ गुरुजी के रांची स्थित सरकारी आवास को हेरिटेज भवन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इस पर कुल 4,60,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए सरकार के भवन निर्माण विभाग ने टेंडर भी जारी कर दिया है। शिबू सोरेन झारखंड अलग राज्य के लिए हुए आंदोलन के अग्रणी नेता रहे हैं। 7 महीने से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर फराटा भर रहे वाहनों को अब शुल्क देना होगा। 1 सप्ताह में शुल्क वसूली शुरू कर दी जाएगी। परिवहन मंत्रालय ने 7 स्थानों पर शुल्क प्लाजा के लिए मंजूरी दे दी है। बुधवार या गुरुवार को NHAI शुल्क की दरें जारी कर देगी। भारी भरकम रसोई गैस सिलेंडर के रखरखाव में परेशान राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के वांछितों को पारदर्शी फाइबर युक्त गैस सिलेंडर का विकल्प मिल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर इंडियन ऑयल के नए युग के कॉम्पोजिट सिलेंडर का शुभारंभ किया था। एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच HDFC, टाटा स्टील और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर बढ़ने से सेंसेक्स बुधवार को शुरुआती कारोबार में 500 अंक से अधिक चढ़ गया। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला सूचकांक 515.05 अंक या 0.90% की तेजी के साथ 57,579.92 पर कारोबार कर रहा था। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया में धीरे धीरे पैर पसारता दिख रहा है। हाल ही में कोरोना संकट से उभरते दिखे ब्रिटेन में एक बार फिर से संकट बढ़ गया है। यहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के 22 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा इस संख्या के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ब्रिटिश हेल्थ मिनिस्टर साजिद जावेद ने कहा है कि इस वेरियंट का कितना असर हो सकता है इसके बारे में अगले 2 सप्ताह में जानकारी मिल सकती है। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिकी सेना चीन और रूस को लेकर किए गए तैनाती को और मजबूत करेगी। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में ईरान और जिहादी ग्रुप्स को रोकने के लिए पर्याप्त सेना तैनात रखेगी। अधिकारियों ने बताया है कि अमेरिकी गुआम और ऑस्ट्रेलिया में मिलिट्री सुविधाओं का और विस्तार करेगा। अमेरिका चीन को मुख्य रक्षा प्रतिद्वंद्वी के तौर पर अपना फोकस करेगा। दोहा में तालिबान और अमेरिका के बीच जारी बातचीत के दौरान तालिबान ने एक बार फिर वॉशिंगटन में मदद की अपील की है। तालिबान ने अमेरिका से कहा है कि वो अफगानिस्तान में आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, ऐसे में फ्रोजन फंड को रिलीज कर दिया जाए। काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी कोविड पॉजिटिव पाई गई है। बीते दिनों उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमण का पता चला था। तनिषा ने बताया कि उन्हें वायरस का इन्फेक्शन कैसे मिला, साथ ही लोगों से बाहर निकलते वक्त सावधान रहने और वैक्सीन लगवाने की रिक्वेस्ट भी की है। तनिषा ने बताया कि उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और वो घर पर ही आराम कर रही है। उन्होंने अपने कोरोना के लक्षण भी बताए और हेल्थ अपडेट भी दिया। वायु प्रदूषण के चलते जहरीली होती राजधानी की आबो हवा का हवाला देकर एक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर 15,00,000 रुपए मुआवजे की मांग की है। याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार से मुआवजे की मांग के अलावा 25,00,000 रुपए का चिकित्सा बीमा की मांग भी की गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष के 12 सदस्यों को निलंबन का मुद्दा दोनों सदनों में गरमाया रहा। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस कार्रवाई को नियमों के खिलाफ बताते हुए निलंबन वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया। 12 निलंबित विपक्षी सांसद राज्यसभा के सभापति को अपने निलंबन को निरस्त करने के लिए पत्र लिखेंगे। दलित नेता यशपाल आर्य के बाद हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी तय है। अगले 2 दिन के अंदर उनको पार्टी में दोबारा शामिल किया जा सकता है। हरक सिंह रावत उत्तराखंड के बड़े नेता हैं। उन्होंने 2016 में कांग्रेस आलाकमान में बगावत कर दी थी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। सूत्रों की माने तो उनकी कांग्रेस आलाकमान से बातचीत पूरी हो चुकी है। उनके साथ कुछ और नेताओं की कांग्रेस में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को सहायता राशि देने से इनकार कर दिया है। विपक्ष ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की मांग की थी, जिस पर सरकार ने उत्तर देते हुए कहा कि आंदोलन में हुई जान गंवाने वालों की संख्या को देखे अगर तो ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, इसलिए सहायता नहीं दी जा सकती है। सरकार ने कहा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पास इस मामले में कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसलिए इसका सवाल ही नहीं उठता है।
कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के कई देशों में अपना कहर बरपा रहा है। भारत में भी इसको लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ओमिक्रॉन के लिए बूस्टर वैक्सीन लाने की तैयारी कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने कहा है कि इस वेरिएंट पर शोध हो रहा है और इससे पूरा होने पर कम से कम 2 सप्ताह का समय लगेगा। इसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा जाएगा कि क्या इस वेरिएंट के लिए वैक्सीन की जरूरत है या नहीं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रितेश कुमार यादव, रमेश कुमार, राजेश सोंथियाल, पवन वीटी से टेके, इस्लामिक तस्वुर, अभिनव कुमार, मोहम्मद महमूद अंसारी, नूरुद्दीन खान, जी के प्लस, शोई जन्म गुप्ता, राजीव कुमार, नुनू कुमार, नीरज कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बढ़ती महंगाई से निजात दिलवाने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।